हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू एंड रेटिंग में। वैसे तो मेरा चैनल है प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, पर आप सभी लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। और इस कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, कंपनीज पर असर पड़ा है, इसलिए भी इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। कोरोना वायरस एक वायरस है जिसे COVID-19 भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि इस वायरस को पहली बार 2019 में ही डिस्कवर किया गया। इस वायरस को सबसे पहले पाया गया दिसंबर 2019 चाइना के वुहान शहर में। वैसे तो कोरोना वायरस 150 देशों में फैल चुका है, पर चाइना और इटली में इससे बीमार लोगों की संख्या ज्यादा है और इनकी इकोनॉमी पर भी काफी ज्यादा असर हुआ है। और लगभग 7000 लोग इस वायरस की चपेट में आकर मारे गए हैं। और अब तक इस वायरस से बचने के लिए कोई वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये देखते हुए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक या कहें महामारी घोषित कर दिया है। इंडिया में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को केरला में डिटेक्ट हुआ और अब तक ये आंकड़ा 120 पार कर चुका है। ये देखते हुए भारत सरकार ने भी एक्शन लिया है और बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, मॉल्स को बंद करने का आदेश दिया है। और ऐसे इस तरीके से यह वायरस फैलने से भी रोका जा सकता है। अगर बात करें यह वायरस है क्या, तो इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ ना डॉक्टर को पता है और ना ही साइंटिस्ट को। पर जैसा बताया जाता है, यह वायरस बहुत सारे वायरस का समूहित परिवार है जो हमारी बीमारी का कारण बनता है। अगर इस वायरस की चपेट में कोई आ जाए तो शरीर में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। और यह एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलता है। और यह बुजुर्ग, अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट के पेशेंट को यह वायरस जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट, वैक्सीन, मेडिकेशन नहीं है। तो इसलिए इस वायरस से बचने के लिए आपको अपने पर्सनल हाइजीन पे ज्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि रेगुलर हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, खांसते और छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करना, जो लोग आपको बीमार दिखें उनसे थोड़ी दूरी मेंटेन करना, और अंडा, मीट, चिकन इत्यादि का सेवन नहीं करना। यहाँ पे मांस का इस्तेमाल मैं आपको इसलिए भी मना कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अभी बर्ड फ्लू का भी काफी खतरा है और बहुत सारे स्टेट में ये फैल भी चुका है, इसलिए अभी मांसाहारी भोजन से दूर रहें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिव्यू एंड रेटिंग को।